सो आज मैं आप लोग के साथ पर्पल हॉल भी शेयर करने वाली हूँ। सो मैंने पर्पल से भी कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। अगर आप जानना चाहते हो मैंने पर्पल से क्या क्या मंगाया है एंड किस प्राइस रेंज पे मंगाया है, अफोर्डेबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको देखना होगा पूरा वीडियो लास्ट तक एंड मेरे वीडियो को देना होगा भर भर के प्यार। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप नए हो तो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बहुत ही छोटू सा मिनी सा हॉल है पर्पल का। मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मंगाए हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मंगाए हैं एंड बिल्डर्स के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो जाए। तो ये हैं मेरे प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो। सो ये मुझे ऐसे एक कार्टन के पैकेजिंग में मिला था मुझे, तो मैंने बस ये कार्टन की पैकेजिंग खोली है एंड मैंने इसे अच्छे से सैनिटाइज भी कर लिया था। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया था बहुत ही अच्छे से, वो सेफ्टी के मामले में मेरे से, मैं अगर यहाँ हूँ तो वो यहाँ है, बहुत ज़्यादा मैं बहुत लापरवाह हूँ बट वो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये पार्सल कल ही रिसीव हुआ है पर्पल से मुझे, सो मैंने इसे ओपन करके नहीं देखा है, मैंने बस ऊपर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग ओपन की थी एंड मैंने बस प्रोडक्ट चेक किया था कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं एंड ये मुझे बहुत ही अच्छे से इस बबल रैप में पैक होके मिला था, जिससे कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से सेव थे। ऐसे तो कुछ टूटने वाला था नहीं बट एक दो प्रोडक्ट होते हैं जो टूटने के होते हैं बट, एंड पर्पल ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल साइट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिगनर्स के लिए तो वो साइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पे हमेशा थोड़ा ना थोड़ा डिस्काउंट चलते ही रहता है, जो कि भले ही 5% ही डिस्काउंट मिल रहा है बट वहाँ आपको मिलेगा। मैं आपको वन बाई वन शेयर करके दिखाती हूँ। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू हेवन का प्राइमर। या तो मैंने इस प्राइमर के बारे में बहुत सुना था, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइमर है, बिगनर फ्रेंडली है, तो मैं भी चाहती थी मैं यूज़ करूँ एंड मैं बहुत टाइम से बस एक प्राइमर यूज़ कर रही थी वो लैक्मे का, तो इसलिए मैं चाहती थी मैं यूज़ करूँ। इंग्रेडिएंट्स डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। प्राइस है 300 रुपीज़। आपको दिखेगी क्या? आपको नहीं दिखेगी। सो इसकी प्राइस है 300 बट ये मुझे ऑन डिस्काउंट 225 में मिला था तो इसलिए मैंने ये परचेस कर लिया। सो ये है ब्लू हेवन प्राइमर, परफेक्ट मेकअप बेस, स्टूडियो परफेक्शन एंड ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीशी है, मीन्स ये मैट फाउंडेशन है, ये आपके स्किन को अच्छे से मैटिफाई कर देगा एंड आपके जो पोर्स है, जो ये एरियाज है, ये अच्छे से यहाँ पे मैटिफाई करेगा, मैट इफेक्ट देगा आपको एंड मैं आपको अपने हैंड पे इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो ये लिटरली एकदम मैट सा ब्लर सा इफेक्ट देता है आपके स्किन को, देख सकते हो, आपको अच्छे से दिखेगा नहीं बट सच में ये देता है। सो अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट ट्राई है, अच्छा लगा मुझे। अब तो टोटल अब असली पता तो यूज़ करने पे पता चलेगा, मैं कुछ दिन यूज़ करूँगी तब बता सकती हूँ। सो जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये बायोटिक का एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालय वाटर्स फॉर नॉर्मल एंड ऑयली स्किन वालों के लिए है, बट मेरी स्किन ड्राई है फिर भी मैंने ये मंगा लिया क्योंकि मेरी स्किन कभी कभी नॉर्मल भी हो जाती है, ऑयली तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि मेरी स्किन ऑयली होती है बट नॉर्मल हो जाती है कभी कभी एंड यू गाइस सी कि मेरे को स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया भी है कि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया। एंड बायोटिक के प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, मैंने इनके बारे में भी अच्छी अच्छी रिव्यू सुनी है तो इसलिए मुझे ट्राई करना था। सो मैंने अभी तक जो 2-3 बार टोनर यूज़ किया है, मैंने गुड वाइब्स के ही टोनर यूज़ किए हैं एंड आई जस्ट लव दिस गाइस, मुझे वो टोनर बहुत पसंद है एंड मैं इस बार भी वही टोनर ऑर्डर करने वाली थी, मेरे ख़त्म हो गए थे, आप देख रहे हो मैं 2-3 बार से यूज़ नहीं कर रही थी तो मैं वो ख़त्म हो गए थे बट जब मैंने फिर ये देखा तो मुझे लगा एक बार मैं ये भी यूज़ करके देखती हूँ कि ये कैसा है, मैंने वो तो 2-3 बार यूज़ कर लिया है तो इसलिए मैंने एक बार इसे मंगाया है। सो अब मैं इसे यूज़ करूँगी तो देख सकते हो मैंने तक इसे खोला नहीं है। सो इसे मैं खोलती हूँ,
सो यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स के डिटेल मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको किस तरह से यूज़ करना है वो लिखा हुआ मिल रहा है। सो इसकी प्राइस है 175, बट ऑन डिस्काउंट मुझे ये 140 में मिला था। तो या सो ये कुछ ऐसा दिखता है, एंड इसकी जो कलर है आप देख सकते हो ये कुकुम्बर के कलर जैसे ही है, यू गाइस सी। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी सी अजीब सी है, पता नहीं उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। सो जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये NYBAE के फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक। सो इसमें आपको फाउंडेशन शेड भी मिलता है, कंसीलर शेड भी मिलता है, एंड कॉन्टोर शेड भी मिलता है, एंड आपको जो भी कलर करेक्टर के जो शेड चाहिए ग्रीन ऑरेंज वो सारे कलर आपको इसमें मिलते हैं, इसलिए इसमें मेंशन किया हुआ है। सो मैंने इसमें दो शेड मंगाया है, एक है टॉफी, तो टॉफी मैंने कॉन्टोरिंग के लिए मंगाई है, एंड जो नेक्स्ट वन है वो है ये गोल्डन। सो ये मैंने एज अ कंसीलर के लिए मंगाया है, तो मैंने दो शेड मंगाए हैं आप देख सकते हो। तो मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने इसे भी खोला नहीं है। तो यार ये कुछ इस तरह का दिखता है, एंड यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ NYBAE मिलता है, एंड ये कुछ लिपस्टिक के फॉर्म में है, एंड आप इसे रोल करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा आफ्टर रोलिंग, एंड आपको कुछ इतना प्रोडक्ट मिलता है, एंड आफ्टर एंड फिर ये अंदर चला जाएगा। सो मैंने एक बार भी क्रीम कॉन्टोर यूज़ नहीं किया था, तो मुझे क्रीम कॉन्टोर यूज़ करने का मन था, एंड NYBAE के बारे में मैंने सुना था ये बहुत ही अफोर्डेबल है, ये जस्ट 99 रुपीज़ का है, या ये जस्ट 99 रुपीज़ का है, एंड आपको अच्छा खासा प्रोडक्ट इसमें मिल रहा है तो और क्या चाहिए, ठीक है 100 रुपीज़ में। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये वाइट काजल, ये है एम्स्टरडैम का वाइट काजल। सो मैंने लास्ट तो मुझे वाइट काजल बहुत टाइम से मन था यूज़ करने का, बहुत टाइम से मैं ट्राई करना चाहती थी। सो मैंने एक NYBAE का काजल, वाइट काजल मंगाया था, वो मुझे सिल्वर इन शेड में मिला था, बट उसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, वो बस वैसे ही रखा हुआ है, मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उसका पिगमेंटेशन ही अच्छा नहीं है, तो इसलिए मुझे अगेन दोबारा मंगाना था, तो मैंने सोचा कि एक बार ये भी ट्राई करके देखती हूँ। तो ये कुछ इस टाइप में मुझे रिसीव हुआ है, आप देख सकते हो, तो आई जस्ट ओपन होता है, एंड ये है आपका प्रोडक्ट। सो आपको इतने प्रोडक्ट मिलते हैं, सो आपको इतने प्रोडक्ट मिलते हैं आप देख सकते हो, एंड ऑन डिस्काउंट ये मुझे 124 रुपीज़ में मिला है। सो या तो मैं इसे अपने किसी मेकअप ट्यूटोरियल में इसे यूज़ करूँगी। जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये स्ट्रे क्विर्की की मिनी लिपस्टिक सेट। तो इसमें आपको मिलते हैं 12 शेड, तो ये है कुछ ऐसी पैकेजिंग में, तो आपको इसमें सारे जो सेट्स के जो कलर्स हैं वो आपको यहाँ मिलते दिख रहे हैं, तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट, तो ये आपको एक ऐसे प्लास्टिक में पैक होके मिलता है, कवर होके मिलता है। सो ये देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड ये सेफ भी है, बट अगर आपके हाथ से छूट के अगर ये गिर जाता है नीचे तो ये ख़त्म हो जाएगा। सो ये ऐसा कुछ ज़्यादा सेफ पर्पस से नहीं है, तो ये मैं ओपन करती हूँ, एंड यहाँ है ये 12 शेड, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टोटल 12 शेड हैं। तो ये है बहुत छोटू सा, आप देख सकते हो कितना छोटा है, ये बहुत छोटू सा है, बट कोई बात नहीं,
बहुत छोटू सा है, कुछ लोगों ने यूज़ किया हो तो, बट मैंने यूज़ किया है बचपन में। 10 रुपए की लिपस्टिक आती थी छोटी सी, बट वो भी अंदर बाहर जाने वाली थी, आप उसे ऐसे ऊपर करो तो वो ऊपर जाती थी, एंड ऐसे नीचे कर दो तो वो नीचे चली आती थी, ऐसा वाला सीन था उसमें। बट इसमें इसमें ऐसा नहीं है, ये आपको ऐसे इस ये आपको इतना छोटा सा प्रोडक्ट मिलता है, एंड ये ओपन करने के बाद जो आपको जितना प्रोडक्ट दिख रहा है ये इतना ही है। कलर पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, सो आप देखो वन स्वाइप में आपको बहुत ही अच्छा कलर पिगमेंटेशन मिल जाता है, बहुत ही शानदार आप देख सकते हो। सो मैंने आपको नज़दीक से इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, सनलाइट भी मैं यूज़ नहीं कर रही, ना ही मेरे पास अपनी रिंग लाइट है। मैं जो मेरी रूम की जो लाइट है, ट्यूब लाइट है, मैंने बस उसे जलाया हुआ, मैं बस वो यूज़ करी, जिसकी वजह से आपको कलर देख सकते हो दूर से बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, बट जब मैं नज़दीक लाऊंगी तो आपको थोड़ी बहुत सही दिख जाएगी। सो इस वजह से मैंने आपको इतना नज़दीक से दिखाया है। तो या तो आपको इसमें मिल सो आपको इसमें हर तरह के कलर मिलते हैं, पिंक, ये एकदम डार्केस्ट रेड शेड है, दिस इज अ मरून शेड, दिस इज अ ब्राउन शेड, मीन्स आपको ओवरऑल सारे कलर मिल जाते हैं। सो अगर आपको टोटल रिव्यू चाहिए इस सेट, मिनी सेट, लिपस्टिक सेट का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 399, मीन्स ऑलमोस्ट 400, बट ऑन डिस्काउंट ये मुझे रिसीव हुआ था 324 रुपीज़ में, जो कि सही है, बढ़िया है। सो इन सब के साथ मुझे रिसीव ये इस प्रकृति की काजल, सो ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव हुआ था, सो एज अ गिफ्ट रिसीव हुई थी। सो या तो ये कुछ इस तरह की है, एंड ये है हमारा प्रोडक्ट, एंड मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये बहुत ही प्यारा काजल है गाइस, आपको एक स्ट्रोक में इतना बढ़िया सा ब्लैक पूरा पिगमेंटेशन इसका मिल जाता है, बहुत ही मस्त है। तो ये था मेरा लास्ट जो कि मुझे मिला था फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि मुझे, तो या ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट, ये था मेरा आज का हॉल पर्पल का। पर्पल से मैंने सारे प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मंगाया है, एंड बिगनर फ्रेंडली प्रोडक्ट भी हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उससे भी हिट कर दें, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये सारे वीडियो शेयर करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।